सो फाइनली गाइस, सैमसंग की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन जो कि 16 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है। पहले ये 3 सितंबर को लॉन्च होना है, अब 16 सितंबर लॉन्च हो रहा है, इसलिए मैं आज इसको कंपेयर करूंगा, जो कि होगा रियलमी X7 मैक्स के साथ, जो कि कंपेयर होगा कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी एंड प्राइस के बीच में, जिससे कि आप लोगों को तय हो जाएगा कि अगर आप लोगों को इन दो फोन्स में से एक फ़ोन परचेज करना है तो आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। क्योंकि इस फ़ोन के प्राइस तो दोनों के सेम है बट स्पेसिफिकेशंस में बहुत ही अंतर है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए दोनों के लुक्स के बारे में, तो लुक्स मुझे डेफिनेटली दोनों के अच्छे लग रहे हैं। अब बात की एंड्रॉइड के बारे में, तो दोनों में आपको एंड्रॉइड B11 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं A52S 5G में आपको 189 ग्राम का देखने को मिल रहा है। वहीं रियलमी X7 मैक्स आपको देखने को मिल रहा है 179 ग्राम का, मतलब 10 ग्राम थोड़ा सा कम। एंड बात किया दोनों के डिस्प्ले के बारे में, तो A52S 5G 6.5 इंच के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिल रहा है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ मार्केट में देखने को मिलेगा। एंड ब्राइटनेस की बात की जाए तो इसमें आपको 600 से 800 निट्स तक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। वैसे 800 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। एंड रियलमी X7 मैक्स की बात की जाए तो इसमें आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड पैनल के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1000 निट्स के साथ डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी बात है। इसलिए डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा ये आगे है। ब्राइटनेस के मामले में मैं बात करूँगा इसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि आजकल गेमिंग के ज़माने में गेमिंग की जरूर ही चाहिए फ़ोन में। इसलिए A52S 5G आपको स्नैपड्रैगन का 778 5G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि 6 नैनोमीटर प्रकार करता है 628 एंड 8256 के साथ देखने को मिलेगा। मेटेक डायमेंसिटी 1200 जो कि X7 मैक्स में देखने को मिल रहा है, जो कि 7nm पर बेस्ड है एंड 8128 एंड 12256 के साथ देखने को मिलेगा। एंड यहां पर मेटेक डायमेंसिटी 1200 विनर रहता है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा परफॉर्मेंस के मामले में X7 मैक्स को आप आराम से परचेस कर सकते हैं। एंड अब बात किया दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में, तो A52S 5G यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस। एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। भाई बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी 30 से 60 FPS तक, जो कि होगी 2K से 4K सपोर्ट तक। एंड अब बात किया रियलमी X7 मैक्स के बारे में, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड सिर्फ 2 मेगापिक्सल का चीप मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है। वही फ्रंट कैमरा में इसमें आपको ठीक ठाक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। एंड अब बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो वो होगी 30 से 60 FPS तक, जो कि होगी 2K से 4K सपोर्ट तक। एंड अब बात की जाए यहाँ पर कैमरा के मामले में विनर के बारे में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ा सा आगे रह रहा है A52S 5G, जो कि 5 मेगापिक्सल माइक्रो एंड फ्रंट कैमरा के कार्ड। वैसे कैमरा दोनों का ठीक ठाक है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो मैं एंड में बताऊंगा। एंड अब बात किया इसके चार्जर एंड बैटरी सेटअप के बारे में, तो A52S 5G आपको 4500mAh बैटरी के साथ सिर्फ 25W के चार्ज के साथ देखने को मिल रहा है। और वहीं रियलमी X7 मैक्स आपको देखने को मिल रहा है 4500mAh बैटरी के साथ 50W चार्जर के साथ, जो कि बताया है इसकी 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी सिर्फ 32 मिनट में, लगभग आधा घंटा में, जो कि एक बहुत ही तगड़ी बात है रियलमी X7 मैक्स के साथ। इसलिए मैं फाइनली कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी आपको रियलमी X7 मैक्स को करना चाहिए, क्योंकि बैटरी तो दोनों के बराबर है पर चार्जर जो कि 50W का चार्जर बहुत होता है, A52S 5G से दुगना है यहाँ पर, क्योंकि इसका 25W का है। एंड अब बात किया वाटरप्रूफ एंड प्रोटेक्शन के बारे में, तो दोनों में आपको B5 प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है बट A52S 5G में आपको फ्लैश प्रूफ देखने को मिल रहा है एंड IP67 की एक अच्छी रेटिंग देखने को मिल रही है, जिसके तहत होता है ये कि ये 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक ये फ़ोन आराम से रह सकता है, जो कि A52S 5G है। बट X7 मैक्स में बताया जा रहा है कि इसमें आपको फ्लैश प्रूफ देखने को मिल रहा है, बट ये नहीं बताया है कि इसमें कौन सा वाटर प्रूफ दिया जा रहा है। कोई बात नहीं है, बात किया इसके साइड स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो A52S 5G 3.5 के जैक के साथ, मतलब यहाँ पर भी आपको ओवरऑल दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम डिस्प्ले पर देखने को मिल रहे हैं। एंड मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने अभी अपने बैटरी स्टूडियो में देखा तो 98% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, पर 2% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट 98% लोग, प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वॉइस ओवर कंटेंट डाल रहा हूँ, जो कि कंपेयर एंड अपने चैनल पर विजिट करिए तो वहाँ भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे अपकमिंग मोबाइल्स के लिए। एंड अब बात किया दोनों के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो A52S का जो
8256 वाला वेरिएंट है उसके प्राइस अभी बताए जा रहे हैं कि इसके प्राइस 41,000 के आसपास रहने वाले हैं, 628 के 35,490। बट रियलमी X7 के प्राइस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इसमें आपको 8128 वाले के वेरिएंट के 24,999 में एंड 27,999 में मिलेगा आपको 12 GB एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज। इसलिए मैं कहना चाहूँगा रियलमी X7 को परचेज करें, वीडियो को लाइक।